पार्किंग में मिल गई है यार। जो कपाल सोते हैं कैंप में ही कर जिनकी प्रॉपर्टी पे रात को ये है नैना देवी जल कुंड। सुमित भाई एकदम पड़पड़ा रहे, उसको धुआं लग रहा है भाई। बुकिंग वगैरह ऑनलाइन भी हो तो भीमताल नैनीताल कुछ क्या था, इन जगहों को तो सभी लोग जानते हैं बट ये जगह काफी कम लोग जानते हैं। बट अभी बाइक में आए रहते तो बड़ी दिक्कत होती यार इतनी रात में ये जंगल से निकलते हुए। फाइनली हम लोग मतलब पंगोट तो पहुंच गए बट भाई साहब पहुंचते पहुंचते आप देख सकते हैं कितनी रात हो गई है। बट यार यही तो एडवेंचर है भाई। हम लोग अभी पंगोट के मार्केट में पहुंच गए हैं बट रात इतनी हो गई भाई साहब मतलब समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे हम टेंट वगैरह लगाएंगे कहाँ पे कैंपिंग करेंगे क्योंकि पहला एक्सपीरियंस है मेरा भी सुमित भाई का भी पहली बार आ रहे हैं हम। कहीं पर भी बन सकता है। हाँ अंकल जी ने तो बता दिया कहीं भी लग जाएगा भाई कि इससे पूछते हैं यार अंकल को भी ज़्यादा पता नहीं है। यहाँ पे कैंपिंग की थोड़ा सा लोकेशन देख रहे थे जगह ढूंढ रहे थे बट कहीं नहीं मिला भाई काफ़ी इतनी रात को कहाँ पे मिलता यार। बट यहाँ पे ना एक होटल्स है तो इसके जो ऑनर हैं इनके नीचे यहीं पे पार्किंग वगैरह है तो उन्होंने हमको जगह दे दी यार। मतलब अभी हम लोग अपनी गाड़ी भी लेकर के आ रहे हैं बाकी नीचे टेंट वगैरह लगाएंगे। और यहाँ पे पंगोट पे आने के बाद यार गाइस मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना रियलिटी में यार। मतलब हमारे उत्तराखंड के अंदर में भी ऐसी जगह है ना भाई जहाँ पे मतलब यार इतनी सुंदरता और इतना बढ़िया कुछ काफ़ी कुछ है यार। बट तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे टेंट वगैरह बाकी गाड़ी भी खड़ी कर दी है और यहीं पे हम आग वाग वगैरह जला लेंगे कुछ बना लेंगे यहीं पे। यहाँ पे बढ़िया है ना। हाँ सही है थोड़ा गाड़ी भी पास ही में रहेगी ना हमारी उसी के बगल में हम कैंप वगैरह लगा लेते हैं। आप होटल्स देखिए आप यहाँ के आप भाई इनमें रहने के लिए तो हमारे पास इतने पैसे हैं नहीं भाई बट हम अपना मस्त कैंपिंग का अलग मजा है यार। होटल से बढ़िया कैंपिंग वही तो कैंपिंग का अलग ही मजा है यही तो एक्सपीरियंस लेना था यार हमने तभी तो इतना एडवेंचर हो गया आज भाई। तो जल्दी से निकालते हैं फिर चल। हमने गाड़ी में रखा हुआ था सारा सामान अंदर ही हो गया हमारे बैग वैग वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं देखिए लॉक कर रखिएगा तूने। चल फिर खोल पे निकालते हैं। तो अभी हमारा ये टेंट खुल चुका है और अब जा करके हम इसको बनाएंगे और लगाएंगे यहाँ पे। तो काफ़ी मशक्कत के बाद यार अभी फाइनली हमने यहाँ पे देखिए टेंट वेंट वगैरह लगा दिया है बाकी देखते गए जब भी लकड़ियों का इंतजाम करते हैं उसके बाद आग जलाते हैं यहाँ पे। यह हमने बना दिया है यहाँ पे टेंट वेंट वगैरह बाकी अंदर पूरी रजाई वजाई वगैरह भी डाल दी है हमने और यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई एकदम अल्टीमेट यार बिल्कुल ये चेक कीजिए। तो बाकी यार अभी हम पानी की व्यवस्था करने गए हुए थे भाई यार मतलब ये जो ऑनर है ना अंकल काफ़ी अच्छे हैं यार उन्होंने अभी हमको पानी की बोतलें भी दे दी हैं। देखो ऐसे ले जानी पड़ी ना गिरने वाली है भाई ये। बाकी यहीं पे उनका होटल वगैरह है ये और हमने नीचे कैंप खड़ा कर रखा है तो चलते हैं वहाँ पे आग वाग वगैरह जलाते चाय बनाते हैं मैगी वगैरह बनाते मस्त करके। और लकड़ियाँ भी यहीं पे पार्किंग में मिल गई हैं यार हमको मतलब सही हो रहा है सभी चीज़ मतलब ये देखिए थोड़ा ये लकड़ियाँ मिल गई हैं थोड़ा बड़ी वाली लकड़ियाँ भी मिल गई हैं हमको। सो दोस्तों हमारी आग जल गई है अभी खाने का मजा प्लेन ही है फिर। हाँ वो भी सही लगती है क्योंकि भाई मैंने ट्राई करा है ना जब हम पिछली बार कैंप करा था ना हमने। हाँ। तो प्लेन मैगी खाई थी मतलब इतनी टेस्टी बन गई थी भाई उसमें मतलब मसाले वाले प्लेन मैगी में ज्यादा मजा आता है ना फिर यार भाई ये चीजें घर में सही नहीं लगती अगर बाहर को खाओ ना तुम। हाँ। बाहर को हर चीज प्यार लगता है भाई घर में। तो सुमित भाई एकदम पड़पड़ा रहे उसको दवा के क्यों सुमित भाई धुआं लग रहा है भाई धुआं भी लग रहा है ना थोड़ा से जरा डुप्पर जैसा हो रहा था ना देखिए हमने बढ़िया सीट भी डाल रखी है लोहे की ये बन गया भैया हमारा देसी जुगाड़ पहाड़ी जुगाड़ एक्चुअली क्यों यस यहीं पे हमने गाड़ी वगैरह भी लगा रखी है साइड में हमारा टेंट वगैरह और उसी के बगल में हमने आग जला करके बढ़िया मैगी बना रहे हैं। मतलब दोस्तों यार ये एक्सपीरियंस ना हर किसी ने लेना चाहिए यार हर किसी ने क्योंकि भाई इसमें जो मज़ा है ना वो बड़े बड़े होटलों में नहीं है क्यों सुमित भाई फिर कैंपिंग का मज़ा कुछ अलग ही होता है यार। फाइनली हम लोगों ने मैगी वगैरह तो खा ली है बाकी अभी यार सोने का टाइम हो गया क्योंकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया आप लोगों के जैसे कि पता ही है हम लोग मतलब आते आते हमको रात हो गई थी काफ़ी लेट हो गई थी तो लेट में हमने जल्दी में मतलब सब चीज़ किया एंड बाकी हमने यहाँ पे बिस्तर वगैरह लगा लिए। सुमित भाई तो मस्त सो गए भाई अंदर बिल्कुल ये अभी यार टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया 9:30 बज गए लगभग तो अभी सोते हैं आप एंड आपको मिलते हैं सीधे मॉर्निंग पे। हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का आप ब्लॉग देखिए यार एकदम कितने सुंदर से मतलब दृश्य के साथ में कितने बढ़िया से व्यू के साथ में मतलब स्टार्ट हो रहा है
तो आपने देखा गाइज, हम लोग आए हुए थे पंगोट, तो जहाँ पे हमने नाइट कैंपिंग वगैरह की, काफ़ी सारे पूरे रिजॉर्ट वगैरह भी हैं, रिजॉर्ट होटल वगैरह सभी चीज़ें। एंड बाकी यहाँ पे देखिए कैंप में ही नेचर रिजॉर्ट करके भी यहाँ पे है, यहाँ पे कैंप साइट है, नीचे को पूरी कैंप की एरिया, नीचे को भी सारे कैंप वैम्प वगैरह। सुमित भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और बढ़िया, बस बढ़िया। रात को नींद आई नहीं आई? प्यारी नींद आई यार, मैंने लिटरली सोचा नहीं था ऐसी नींद आई करके। मस्त ना यहाँ पे, एक चीज मतलब कैंपिंग, एक चीज नोटिस करी तो यहाँ पे ठंडा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। वही तो, काफी ठंडा भी नहीं लगा, और बाकी नहीं तो कैंपिंग में थोड़ा बहुत तो मतलब शाम को इंसान नींद की वजह से परेशान हो जाता, बट यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ना, मतलब ऐसा हुआ कि रूम पे सोए हैं। वही तो, काफी बेटर लगा। हाँ तो हमने रात को क्या यहाँ पे लगा रखा था, यहीं पे हमारी गाड़ी वगैरह भी लगी हुई थी एंड यहीं पे हमने कैंप वगैरह लगा रखा था। बाकी अभी अब इसको खोलेंगे हम लोग, सामान वामान वगैरह डालते हैं गाड़ी में। बाकी इस जगह पे यार जो भी मतलब जिसकी नई नई शादी रहती थी ना भाई, न्यू न्यू कपल्स होते हैं तो वो लोग भी आते हैं मतलब इस जगह पे। कैंप में ही करके काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये कैंपिंग, यहाँ पे कैंपिंग जो अगर कैंपिंग के शौकीन है तो यहाँ पे मतलब कैंपिंग वगैरह भी है, नीचे पूरी कैंपिंग की एरिया, तो कैंपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बाकी हम लोग अपना अभी कैंप वगैरह यार पूरा बंद करके गाड़ी में रख करके आ गए हैं, बाकी पीछे गाड़ी लगा रखी है। तो अभी हम लोग मतलब आ गए हैं उसी जगह पे, तो जिन अंकल की प्रॉपर्टी पे मतलब हम लोग कल शाम पे रुके हुए थे, तो यार रात में मतलब हमको समझ नहीं आता भाई कहाँ जाए कहाँ जाए करके। बाकी अंकल ये हैं, अंकल आपका नाम क्या हुआ है? मेरा नाम बोलते। कोई भी फंक्शन बर्थडे सेलिब्रेट कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हो मतलब किस? हाँ, सेलिब्रेट करते हैं सब, हो जा सब होता है यहाँ पे। अच्छा, शादी भी कराते हैं हम लोग, अभी बारात करनी है, हल्द्वानी से पार्टी आ रही है, दो लोगों का ऑल मिल के साथ 4,500 रुपए हुआ ही। प्री वेडिंग रिंग एनिवर्सरी ये सब जो है यहाँ पे लोग मनाने आते हैं, और बराबर यहाँ पर हमारे पास स्पेस ही इतना ज़्यादा है। तो दोस्तों बाकी यार अभी जाने का हमारा टाइम हो गया, तो हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए। बाकी अंकल ने बताया, देखिए आप लोग कभी भी कोई भी फंक्शन करते कुछ भी सेलिब्रेट करने के लिए आ सकते हैं यहाँ पे, एंड बुकिंग वगैरह ऑनलाइन भी होती है, उन्होंने अपनी वेबसाइट भी दे रखी है पंगोट रेट रेट करके मतलब यहाँ पे उनका, क्योंकि ये लोकेशन काफ़ी बहुत हट गया कुछ यार, भीमताल नैनीताल कुचियाताल इन जगहों को तो सभी लोग जानते हैं, बट ये जगह काफ़ी कम लोग जानते हैं, बट ये जगह भी काफ़ी प्रसिद्ध काफ़ी अच्छी है, जहाँ पे बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं, बट आप लोग भी आ सकते हैं।